डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन ग्राफिकल मेथड। तो इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल में हमें दिया है कि द फोर मासेस m1 m2 m3 एंड m4 हैविंग देयर रेडियस ऑफ रोटेशन एज 100 mm 120 mm 250 mm एंड 300 mm आर 200 kg 250 kg, 150 kg and 100 kg in magnitude respectively. The angles between M2, M3 and M4 are 45 degree, 115 degree and 255 degree from M1. Find the magnitude and position of the balancing mass required if its radius of rotation is 350 mm. Solve this example using graphical method. तो इस example को solve करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो data दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहां पर हमें चार mass दिए हैं M1, M2, M3, M4। उसका magnitude हमें दिया है कि M1 is equals to 200 kg, M2 is equals to 250 kg, M3 is equals to 150 kg and M4 is equals to 100 kg, ठीक है। उसके साथ साथ उनकी रेडियस ऑफ रोटेशंस R1, R2, R3 और R4 दिया है। R1 की वैल्यू है 100 mm, उसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.1 मीटर। R2 की वैल्यू है 120 mm, उसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.12 मीटर। R3 की वैल्यू है 250 mm, उसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.25 मीटर। R4 की वैल्यू है 300 mm, उसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है। इसके साथ हमें क्या दिया है कि M2, M3 और M4 M1 के साथ 45 डिग्री, 115 डिग्री एंड 255 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम मास M1 को हॉरिजॉन्टल लाइन पर एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि हमारा थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ये चीज हमने एज्यूम की है, ठीक है। सो थीटा 2 हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा 3 हो जाएगा 115 डिग्री, थीटा 4 हो जाएगा 255 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला है, तो मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग मास। सो एमबी और थीटा बी, ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। और उसके अलावा हमें दिया है रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बैलेंसिंग मास आर बी 350 mm, अगर इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.35 मीटर, ठीक है। तो अभी इस एग्जांपल को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम एक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना लेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम आपको स्केल और प्रोटेक्टर की मदद से अच्छे तरह से बना लेना है, ठीक है। एक बार ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बन जाए उसके बाद हमें M1R1, M2R2, M3R3 और M4R4 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों फाइंड करनी है, तो हमें ये जो फोर्स पॉलीगोन यहां पर बनाना है उसके लिए हमें इनकी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो M1R1, M1 200 kg into R1 0.1 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 kg into मीटर। M2R2, M2 250 kg, R2 0.12 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 kg into मीटर। M3R3, M3 150 kg, R3 0.25 मीटर, सो ये हो जाएगा 37.5 kg into मीटर। M4R4, M4 100 kg, R4 0.3 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 kg into मीटर, ठीक है। तो हमारे पास M1R1, M2R2, M3R3 और M4R4 की वैल्यू आ गई। अभी हम फोर्स पॉलीगॉन बनाएंगे। यहां पर फोर्स पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें एक सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा। ये स्केल हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहां पर स्केल लिया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 kg इनटू मीटर। तो इस स्केल के हिसाब से M1R1 की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, M2R2 की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, M3R3 की वैल्यू हो जाएगी 3.3
75 सेंटीमीटर और M4R4 की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम फोर्स पॉलीगॉन बनाते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हमें किसी एक जगह पर पॉइंट O ले लेना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले किसी एक जगह पर हमें पॉइंट O ले लेना है, ठीक है। अभी मास M1, उसका एंगल है 0 डिग्री और M1R1 की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें यहां पर एक 2 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है और ये लाइन जहां पर खत्म हो रही है उसे हम बोल देंगे स्मॉल ए, ठीक है। सो हमारे पास ओ ए लाइन तैयार हो गई, ठीक है। उसके बाद M2 का एंगल थीटा 2 क्या है 45 डिग्री और M2R2 की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, तो जहां पर ये लाइन खत्म हुई थी पॉइंट ए पर, वहां से 45 डिग्री पर हमें एक दूसरी लाइन बनानी है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये लाइन जहां पर खत्म हो रही है वहां पर पॉइंट को हमें नाम देना है स्मॉल बी, तो हमारे पास ए बी लाइन रेडी हो गई, ठीक है। उसके बाद मास M3 का एंगल थीटा 3 क्या है 115 डिग्री, सो हमें M3R3 की जो वैल्यू है 3.75 सेंटीमीटर उसे 115 डिग्री एंगल पर आगे वाली लाइन जो पॉइंट बी पर खत्म हो रही थी वहां से एक लाइन बनानी है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा 3.75 सेंटीमीटर। ये लाइन जहां पर खत्म हो रही है उस पॉइंट को हमें नाम दे देना है स्मॉल सी, तो हमारे पास BC लाइन तैयार हो गई, ठीक है। उसके बाद यहां पर M4 का एंगल थीटा 4 वो है 255 डिग्री, सो 255 डिग्री एंगल पर M4R4 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन बनानी है जो जहां पर खत्म हो उस पॉइंट को हमें नाम देना है D, तो हमारे पास CD लाइन तैयार हो गई, ठीक है। अभी आगे कोई वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो फिलहाल फोर्स पॉलीगॉन कितना बना OABCD, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट था O और लास्ट पॉइंट है D, तो इन दोनों को हमें एक डैश लाइन की मदद से ज्वाइन कर देना है, ठीक है, और इस डैश लाइन को मेजर कर लेना है। तो ये डैश लाइन मुझे 3.2 सेंटीमीटर की मिल रही है, ठीक है। सो मेरा बैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर स्केल कितना था 10 kg into meter, सो इज इक्वल्स टू 32 kg into meter, ठीक है। सो बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे कितना मिला 32 kg into meter। अभी मुझे फाइंड क्या करना है, बैलेंसिंग मास MB एंड इट्स पोजीशन, तो सबसे पहले हम MB फाइंड करते हैं। सो FCB इसकी वैल्यू हमारे पास है 32 kg into meter और इसका फॉर्मूला क्या होता है MB into RB, सो MB into RB इज इक्वल्स टू 32, सो MB इज इक्वल्स टू 32 upon RB, RB की वैल्यू हमारे पास है 0.35, सो MB इज इक्वल्स टू 32 upon 0.35, तो इससे हमें बैलेंसिंग मास का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा 91.42 kg, सो हमें MB मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, थीटा बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा थीटा आर, ठीक है। तो यहां से हमें ये एंगल मेजर करना है जिससे कि हमें थीटा आर मिल जाएगा, तो एंगल मेजर करने से मुझे ये मिल रहा है 58 डिग्री, ठीक है। सो थीटा आर की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जब भी हमें थीटा बी फाइंड करना है और अगर थीटा आर की वैल्यू 180 डिग्री से कम मिल रही है तो थीटा बी फाइंड करने के लिए हम इस एंगल को 180 डिग्री में ऐड कर देंगे, और अगर थीटा आर 180 डिग्री से ज्यादा मिल रहा है तो थीटा बी फाइंड करने के लिए उस एंगल को हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। तो फिलहाल यहां पर थीटा आर की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 58 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से कम है। सो थीटा बी
क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 58 डिग्री, सो ये मुझे मिलेगा 238 डिग्री। सी ठीक है, तो यहां पर थीटा बी की वैल्यू मुझे क्या मिली 238 डिग्री। अभी देखिए ये जो फोर्स पॉलीगॉन है तो इसे इजीली बनाने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम और फोर्स पॉलीगॉन को एक ही पेज पर बनाइए। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम आप प्रोट्रैक्टर और स्केल की मदद से अच्छी तरीके से प्रॉपरली बना दीजिए। ठीक है, और फिर रोलर स्केल की मदद से हम सीधे सीधा एंगल यहां पर खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्स पॉलीगॉन इजीली बन जाएगा और आपको दो दो बार एंगल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।